चुनाव प्रचार के आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक तिगांव में हल्के में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश नागर के प्रचार के लिए पहुंचे। पाठक ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवार को प्रचंड जीत दिलाने की अपील की और लगे हाथ तिगांव वासियों को चुनाव के बाद अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए आने का न्योता भी दिया। हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ढेर सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा है। उत्तराखंड भी हमारे परिवार का सदस्य है। उत्तराखंड के साथी भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में हम एक साथ रहते थे, लेकिन विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड को भी अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया, दूसरा कोई नहीं बना पाया। इसलिए मेरे उत्तराखंड के लोगों, भाई बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, 36 बिरादरी के लोगों का इकट्ठा कर दो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राजेश नागर जी को एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीत 5 तारीख को सुनिश्चित कर देनी है। मुझे पता चल गया जीता तो आप दोगे। एक विनती आपसे करने के लिए आया हूँ, चुनाव परिणाम के बाद राजेश नागर जी जीत करके जब आपके पास आएंगे तो एक न्योता भी मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। आज सब चुनाव के बाद अयोध्या में प्रभु राम लला के दर्शन के लिए आइए। राजेश नागर जी आपको अयोध्या लेकर के आएंगे और अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन की पूरी व्यवस्था करने का काम आपका भाई करेगा। उत्तर प्रदेश में आपका हम सब स्वागत करते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है माननीय मोदी जी के नीतियों को देखते हुए, जन जन को जोड़ते हुए, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर 5 तारीख को हमारे भाई राजेश नागर जी को जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते बात समाप्त करता हूं। भारत माता के। वहीं भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक राजेश नागर ने अपने संबोधन में बताया कि चुनाव के बाद जब आचार संहिता हट जाएगा तब कॉलोनियों में प्रस्तावित सारे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। और 132 कॉलोनियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से पास की है, उसमें ज्यादातर कॉलोनियां हमारी तिगांव विधानसभा से हैं, क्योंकि जो कॉलोनी पहले अप्रूव नहीं होती थी उनमें विकास कराने के लिए दिक्कत आती थी, विकास नहीं हो पाता था क्योंकि वो अप्रूव नहीं होती थी। अब वो सब अप्रूव हो गई है, उनका बजट भी आ गया है, उनके ज्यादातर सब एस्टिमेट भी बन गए हैं। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा उनमें विकास कार्य चालू हो जाएंगे, चाहे उनकी सीवर की लाइन की बात हो, पानी की लाइन की बात हो, चाहे बिजली के खंभे हो, तारे हो, चाहे सड़कें हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो। और वैसे भी हमने आपके लिए अलग से एक सब स्टेशन बिजली का सेक्टर 37 में बना दिया है। अब बिजली की दिक्कत इतनी नहीं है जो पहले 14 से पहले हुआ करती थी। पहले तो नहीं आया ट्रांसफार्मर थे, ना खंभे थे, ना तार थी, ना गलियां कोई पक्की थी। पर 14 से जब से हमारी सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, कितने विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं, चाहे आपकी भार वाली सड़क हो, ये आपकी होम इनक्लेव की सड़क हो, दून भारती की सड़क हो, चेतन मार्केट की सड़क पे काम चल रहा है, ये बांध रोड जो माधपुर से होती हुई कालंदी कुंज तक जा रही है, चाहे पुल जो बसंतपुर में बना है जो दिल्ली को बसंतपुर से जोड़ता है, पहले दिल्ली जाने के लिए पल्ला पुल से ही जाना पड़ता था, अब कई पुल आपके लिए यहाँ पर बना भी दिए गए हैं। और पांच रोड का भी काम पूरा हो गया है और अभी बस की सर्विस भी आपको बदरपुर से बसंतपुर तक मिल रही है। और इस तरह से बहुत सारे कार्य, 22 बेड का हॉस्पिटल, हमारा सैदपुर का स्कूल अपग्रेड, सीबीएसई पैटर्न पर अभी पढ़ाई हो रही है, उसकी नई बिल्डिंग भी बन गई है। इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। मैं कह ये भी मानता हूँ कि सब काम अभी पूरे नहीं हुए, जैसे ही हमारी सरकार तीसरी बार जैसे आ रही है कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि सारे काम आपके पूरे करेंगे। और आपने तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताकर भेजा है। 1996 से आज तक ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस मंडल से, पूरे मंडल से कभी भी हार कर नहीं गई है। और 2019 में भी आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी विधानसभा को मिली थी तो तिगांव विधानसभा था। और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ और हमेशा ऋणी रहूंगा।
बता दें कि फरीदाबाद जिले के अन्य हलकों की तरह तेगांव में भी बड़ी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, जिनका समर्थन काफी अहम हो जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी बिहार के अपने दिग्गजों को यहां के चुनावी रण में उतारा है, जिसका मतदाताओं में काफी असर भी देखा जा रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।